के पिछले रविवार को मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, कितनों को याद है किसकी कहानी थी वो, कौन था वो? दगड़ू, वेरी गुड, है ना। क्या था उसका प्रॉब्लम? अंधा था। क्या उसने प्रभु को पकड़ के बोला मेरे को ठीक कर? फिर भी यीशु ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसे चंगाई दिया, करेक्ट है। चंगाई देने के बाद सब लोग खुश हो गए ना, सब लोग खुश हो गए? हाँ नहीं, क्या हुआ था वहां पर? पंचायत बैठ गई, करेक्ट है कि नहीं। और पंच लोगों ने क्या किया? दोष लगाना शुरू किया, बजाय इसके कि एक पैदाइशी अंधा ठीक हुआ है, उन्होंने उसका न्याय करना शुरू किया और फिर उसे पंचायत के बाहर फेंक दिया। और उसके बाद क्या हुआ वो बहुत जरूरी है। उसके बाद जब उसे पंचायत के बाहर फेंक दिया तो कौन उसके पास गया? यीशु गया और उसने एक ही सवाल किया, क्या तुम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो? बहुत जरूरी सवाल था। और उस लड़के ने कहा, कौन है वो कि मैं विश्वास करूं? तो यीशु ने कहा, मैं ही हूं जो तुम्हारे सामने खड़ा रहकर तुमसे बात कर रहा हूं। तो उस नौजवान ने क्या किया? उसने क्या किया? उसने प्रभु को दंडवत किया और यीशु को छोड़ा नहीं उसने। और मैं आपसे कहता हूं, जब भी आपको परमेश्वर आराधना के समय में या व्यक्तिगत तौर पर उसकी उपस्थिति महसूस हो, उसको हल्का नहीं लेना, सब कुछ छोड़ देना, पकड़ लेना प्रभु को, कहना हाँ प्रभु बोल तू क्या कहना चाहता है। हो सकता है तुम काम कर रहे हो ओके, और अचानक से प्रभु का प्रेम तुम्हें महसूस होगा, छोड़ दो काम, प्रभु के साथ आ जाओ, क्योंकि वो तुमसे कुछ खास बात कहना चाहता है। कभी भी ये नहीं सोचना कि रविवार को ही हम आराधना कर सकते हैं, प्रभु की उपस्थिति को ले सकते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, ये प्रभु 2400 घंटे तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे कानों में, तुम्हारे हृदय में वो अपना प्रेम की बातें कहना चाहता है। सावधान रहें, जब वो, जब उसकी आवाज का एहसास हो, उसका प्रेम महसूस हो, छोड़ो सब कुछ और लग जाओ उसके साथ। कुछ मिनटों में आपको ऐसी बातें प्रभु कहेगा जो आपके जीवन को बदल देगी और औरों के जीवन को बदल देगी। आमीन। इसी नोट के ऊपर मैं आपके साथ आज का वचन मैं लेकर आता हूं ओके। आज का वचन जो है वो लूक की किताब से है, लूक की किताब 1। लूक की किताब 1:1 से लेके 4 तक मैं पढ़ूंगा ओके। अनेक व्यक्तियों ने उन घटनाओं को लिखकर इकट्ठा करने का कार्य किया है जो हमारे बीच में घटी। ये सबूत, अंडरलाइन करना सबूत, ये सबूत हमें उनसे प्राप्त हुए हैं जो प्रारंभ ही से इनके प्रत्यक्ष दर्शी और परमेश्वर के वचन के सेवक रहे। मैंने स्वयं हर एक घटनाओं की शुरुआत से सावधानी पूर्वक जांच की है, जांच की, अंडरलाइन करो। इसीलिए परम सम्माननीय थियोफिलस महोदय, इन चारों शब्दों को अंडरलाइन करो, परम सम्माननीय थियोफिलस महोदय, मुझे भी यह उचित लगा कि आपके लिए मैं यह सब क्रम के अनुसार लिखूं कि जो शिक्षाएं आपको दी गई हैं आप उनकी विश्वसनीयता को जान लें। आमीन। इन चार शब्दों में दो व्यक्तियों का जिक्र है, एक खुद लूक जिसने ये लिखा है और दूसरा व्यक्ति कौन है? कौन है? थियोफिलस। मेरा आज आपके पास शीर्षक जो है प्रचार का ओके, वो ये है कि अपने बुलावे को पहचानो और उसे पूरा करो। अपने बुलावे को पहचानो
और उसे पूरा करने में लग जाओ। तुम मुझसे अपेक्षा मत करना कि मैं तुम्हें कुछ बनाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बना सकता, मैं तुम्ही से पूछूंगा तुम्हें को क्या लगता है परमेश्वर क्या बता रहा है, और मैं उसमें विश्वास भरूंगा, प्रार्थना करूंगा और तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे अपेक्षा करता है कि मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा तो सॉरी, तुम्हें हृदय टूटेगा, तुम मेरे दुश्मन हो जाओगे, मेरे को गालियां दो के निकल जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारा आगे नहीं बढ़ा सकता। आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, और वो किस चीज में आगे बढ़ाएगा? परमेश्वर अपने बुलावे में, जिससे तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया है, वो बुलावा तुम ही पूरा कर सकते हो और कोई नहीं। तुम्हारा काम तुम्हारे लिए स्पेशल रखा है, वो काम का पुरस्कार परमेश्वर देगा। और इसी संदर्भ में मैं आपके सामने ये वचन लेकर आया हूं, इसके पीछे बहुत गहरी बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। लूक कौन था, ये तीन दो व्यक्तियों के बारे में बता रहा हूं, और फिर तीसरा किरदार सस्पेंस है, उस सस्पेंस को मैं तोड़ूंगा। सबसे पहले लूक जो है वो कौन है, वो एक उसका बिजनेस, उसका काम क्या है? वैद्य है। क्या है वो? डॉक्टर है। क्या 12 शिष्यों में से एक था? यीशु के 12 शिष्य थे ना, क्या उसमें लूक का नाम था? किसी को 12 शिष्यों के नाम याद है? चलो एक एक नाम लेना शुरू करते हैं। पतरस नंबर 1, यहन्ना, याकूब, बार्थिलोमो, मैथ्यू, थॉमस, वेरी गुड, और कौन? यहूदा, वेरी गुड। इन सारे नाम जितने भी लिए और जो भी नाम आधे याद आ रहे हैं आधे नहीं आ रहे, क्या उसमें लूक का नाम था? नहीं था। तो लूक यीशु का 12 शिष्यों में से नहीं था, वो एक क्या था? वो एक डॉक्टर था। सबसे पहले भी इस पॉइंट को मैं लेकर आना चाहता हूं कि लूक एक डॉक्टर था। डॉक्टर क्या काम करता है? यहां पे सब हमारे सब सबके बीच में एक ही डॉक्टर फेमस है, हेगड़े, ऐसे कि नहीं पहचाना ना, इतनी नावेली में डॉक्टर क्या करता है? चिट्ठी लिखता है? हाँ नहीं ना, डॉक्टर फिर कुछ और काम करने जाता है? उसका घर किधर है और उसका क्लिनिक किधर है? हेगड़े का घर और क्लिनिक आजू बाजू में, करेक्ट है कि नहीं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो डॉक्टर अक्सर अपना काम जो है उसका फोकस रहता है, उसके पास बीमार लोग आएंगे और वो बीमारों को ठीक करेगा और वापस भेजेगा, दवाइयां लिख के देगा और वो ठीक करेगा। उसका सुबह उठने से शाम तक उसका दिमाग वही चलता है, कोई भी आया तो उसको लगता है ये पेशेंट आया, लंगड़ के आया या कैसे भी आया, और फिर उसका ये वो उसका दिमाग वही चलता है कि मैं इसका इलाज करूं। क्या वो हटके काम करेगा कुछ और? नहीं। लेकिन ये लूक जो डॉक्टर है ना, वो अब क्या कर रहा है मालूम है? चिट्ठी लिख रहा है। ओके, और मैं चाहूंगा कि एक वीडियो है उसको हम देख ले, 5 मिनट का वीडियो है, वही शब्द को वीडियो में है, किसी ने बनाया वीडियो, जरा देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा जल्दी से माइंड में बैठ जाए। परमेश्वर के वचन के सेवक रहे। मैंने
स्वयं हर एक घटनाओं की शुरुआत से सावधानी पूर्वक जांच की है। इसलिए परम सम्माननीय थियोफिलास महोदय, मुझे भी यह उचित लगा कि आपके लिए मैं ये सब क्रम के अनुसार लिखूं कि जो शिक्षाएं आपको दी गई हैं आप उनकी विश्वसनीयता को जान लें। यहूदिया प्रदेश के राजा हेरोदेस के शासनकाल में अबिया दल के एक याजक थे जिनका नाम जकरिया था। उनकी पत्नी का नाम एलिजाबेथ था जो हारून की वंशज थी। वे दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी तथा प्रभु के सभी आदेशों और नियमों के पालन में दोषहीन थे। उनके कोई संतान न थी क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और वे दोनों ही अब बूढ़े हो चुके थे। अपने दल की बारी के अनुसार जब जकरिया एक दिन परमेश्वर के सामने अपनी याजकीय सेवा भेंट कर रहे थे, उन्हें पुरोहितों की रीति के अनुसार पर्ची द्वारा चुनाव कर प्रभु के मंदिर में प्रवेश करने और धूप जलाने का काम सौंपा गया था। धूप जलाने के समय बाहर सभी लोगों का विशाल समूह प्रार्थना कर रहा था। तभी जकरिया के सामने प्रभु का एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ जो धूप वेदी की दाई ओर खड़ा था। स्वर्गदूत को देख जकरिया चौंक पड़े और भयभीत हो गए, किंतु स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो जकरिया, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ एक पुत्र जनेगी, तुम उसका नाम योहन रखना। तुम आनंदित और प्रसन्न होंगे तथा अनेक उसके जन्म के कारण आनंद मनाएंगे। ये बालक प्रभु की दृष्टि में महान होगा। वो दाखरस और मदिरा का सेवन कभी ना करेगा तथा माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। वो इसराइल के वंशजों में से अनेकों को प्रभु उनके परमेश्वर की ओर लौटा ले आएगा। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में प्रभु के आगे चलने वाला बनकर पिताओं के हृदय संतानों की ओर तथा अनाज्ञाकारियों को धर्मों के ज्ञान की ओर फेरेगा कि एक राष्ट्र को प्रभु के लिए तैयार करें। जकरिया ने स्वर्गदूत से प्रश्न किया, मैं कैसे विश्वास करूं क्योंकि मैं ठहरा एक बूढ़ा व्यक्ति और मेरी पत्नी की आयु भी ढल चुकी है। स्वर्गदूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं गब्रियल हूं, मैं नित्य परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। मुझे तुम्हें ये बताने और इस शुभ समाचार की घोषणा करने के लिए ही भेजा गया है। और सुनो, जब तक मेरी ये बातें पूरी ना हो जाए तब तक के लिए तुम गूंगे हो जाओगे, बोलने में असमर्थ, क्योंकि तुमने मेरे वचन पर विश्वास नहीं किया जिसका नियत समय पर पूरा होना निश्चित है। बाहर जकरिया का इंतजार कर रहे लोग असमंजस में पड़ गए कि उन्हें मंदिर में इतनी देर क्यों हो रही है। जब जकरिया बाहर आए वो उनसे बातें करने में असमर्थ रहे, इसलिए वे समझ गए कि जकरिया को मंदिर में कोई दर्शन प्राप्त हुआ है। वो उनसे संकेतों द्वारा बातचीत करते रहे और मौन बने रहे। अपने याजकीय सेवा काल की समाप्ति पर जकरिया घर लौट गए। उनकी पत्नी एलिजाबेथ ने गर्भ धारण किया और ये कहते हुए 5 माह तक अकेले में रही, प्रभु ने मुझ पर यह कृपा दृष्टि की है और समूह में मेरी लज्जित स्थिति से मुझे उभार लिया है। Amen. Okay? Okay. आपने ये जकरिया और एलिजाबेथ की कहानी को भी दिया। Okay? अगर आप बाइबल गौर से पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस और जॉन और लूक, इन चारों ने बाइबल के यीशु की कहानी लिखी, लेकिन मत्ती, मरकुस और जॉन के लिखने के बाद में ये लूक ने सारे बातों को जो सुना था उसका इकट्ठा किया, चेक करना शुरू किया और उसमें देखा कि उसमें जकरिया और एलिजाबेथ की कहानी नहीं लिखी गई है। और फिर उन्होंने वहां से शुरू किया जकरिया और एलिजाबेथ की कहानी, जो माँ बाप बने किसके मानो में, जॉन द बैप्टिस्ट के।
तो उसे ये बात जरूरी लगी कि ये मुझे लिखनी है, और उसने वो लिख कर हम तक पहुंचा दी। अब हम देखेंगे कि लूक ने ये चिट्ठी लिखी क्यों। किसी को मालूम है ये थियोफिलस कौन है, और लूक डॉक्टर होते हुए ये चिट्ठी थियोफिलस को लिख रहा है। लूक ने ये जो पूरा लूक की किताब और प्रेरितों के काम जो किताब है वो उसने लिखा, लेकिन किसके लिए लिखा ये जानना बहुत जरूरी है। क्या उसने हमारे लिए लिखा? नहीं। क्या उसने उन कलीसियाओं के लिए लिखा? नहीं। उसने किसको लिखा? किसको लिखा? थियोफिलस को। लेकिन परमेश्वर ने उसकी लिखी हुई चिट्ठी के अंदर अपनी सांस फूंकी और उसे इस्तेमाल किया, सिर्फ थियोफिलस के लिए नहीं लेकिन आज तक हमारे लिए। हालेलुया। आज अगर लूक स्वर्ग में बैठा सोच रहा है कि मैंने तो थियोफिलस के लिए लिखा था, लेकिन परमेश्वर ने उस चिट्ठी को क्या किया, बाइबल का एक भाग बनाया और उसे बनाकर आज तक हमारे लिए परमेश्वर का वचन कहलाता है। लेकिन आपको मालूम नहीं कि लूक ये रात भर जाग कर उसने ये इकट्ठा किया। मती की बातें लिखी हुई, मरकुस की बात लिखी हुई, योना की बात लिखी हुई, उन सबको इकट्ठा किया, ओरिजिनल चिट्ठियों को, और फिर उसने पर्सनली जाके जांचा क्या ऐसा हुआ था इसमें लिखा है, क्या ऐसा हुआ था वो लिखा है, क्या ऐसा हुआ था ऐसा लिखा है। उसने पर्सनल छानबीन किया और उसके बाद में उसने थियोफिलस को चिट्ठी लिखा। तो वो डॉक्टरी पेशा का क्या हुआ मैं जानता, कि उसने अपना डॉक्टरी का पेशा जो था वो कैसे पूरा किया, और उसने ये जो काम किया ये ज्यादा महत्वपूर्ण निकला। हालेलुया। अब मैं इसके पीछे का एक सस्पेंस खोलता हूं, थियोफिलस कौन था। लूक समझ गए ना लूक के बारे में? अभी आपको लूक का प्रेशर समझ में आएगा जब मैं थियोफिलस के बारे में बताऊंगा। किसी को मालूम है थियोफिलस कौन था? किसी को भी अंदाजा है कौन था? नहीं। ओके, मैं बताता हूं। थियोफिलस एक जज था। जज बोले तो न्याय करने वाला जज, बड़ा जज था, जिसे उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट का जज था। ओके, इसीलिए लूक उसको क्या लिखता है मालूम है? मैंने स्वयं हर एक घटनाओं की शुरुआत से सावधानी पूर्वक जांच की है। इसीलिए वो शब्द क्या इस्तेमाल करता है? परम सम्माननीय थियोफिलस महोदय। पहले भी दो टाइटल लगाया, परम सम्माननीय, और लास्ट में भी थियोफिलस के बाद क्या बोला उसने? महोदय। मतलब वो उस आदर के योग्य व्यक्ति था जिसको ये चिट्ठी लिख रहा है। अब सवाल उठता है, लूक डॉक्टर होते हुए अपना कारनामा चलाना चाहिए, फैमिली को बड़ा करना है, सब कुछ करना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, ओके, एक हॉस्पिटल खड़ा करना है, वो सब छोड़ छाड़ के क्या किया उसने? छानबीन किया। जो उसने पढ़ा है देखा है वो सब छानबीन करके क्या कर रहा है? चिट्ठी लिख रहा है। किसको? सुप्रीम कोर्ट के जज को। क्यों? क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज को चिट्ठी लिख रहा है? और वो सुप्रीम कोर्ट का जज उस जमाने का कहां था मालूम है? वो रोम में था। और लूक कहां था? लूक इसराइल में था। उस टाइम पे मोबाइल था, लेकिन लूक थियोफिलस को पहचानता था। पता नहीं वो उसके पास इलाज करने को आया होगा, हम नहीं जानते, उसका पेशेंट रह चुका है, और उसे लगा कि ये चिट्ठी में बनाकर थियोफिलस को जरूर पहुंचाऊं। आप बोलेंगे घड़ी घड़ी ये क्यों बोल रहे हैं, डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखा, सुप्रीम कोर्ट के, क्या है क्या इसके पीछे राज? अब मैं सस्पेंस खोलने वाला हूं। ओके, मुझे
दो किरदार चाहिए यहां पर आ जाए, दो आदमी लोग चाहिए क्योंकि आप पुरुष लोग हैं, एक लूक बनेगा एक थियोफिलस बनेगा, जल्दी से डॉक्टर लूक, ठीक है, ये डॉक्टर है, दाढ़ी वाला है, देखा ना फोटो में, और ये कौन है, जज है, कहां पर है ये, रोम नगर में, ये कहां है, ये यरूशलेम में, कहां पर पता नहीं, इसराइल में कहीं पर है, ओके, और इसने यहां पे जो भी छानबीन हुआ उसने यहां पर चिट्ठी लिखकर भेज रहा है। अब क्यों भेज रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है एक आदमी है जिसका नाम है पौलुस, पहचानते उसको आप लोग, क्या क्या किया उसने, क्या करता था, मसीह लोगों को मारता था पहला, फिर उसके बाद प्रभु ने उसको छुआ, उसके बाद क्या किया, घर बैठ गया ना, तो अभी से नहीं मारूंगा मैं, घर बैठूंगा, बहुत सारी कलीसिया को चिट्ठी लिखा, घर बैठ के चिट्ठी लिखा, कहां से लिखा, कहां से, जेल में से, कौन सी जेल थी वो, कौन सी जेल थी, रोम की जेल थी। अब कुछ समझ में आ रहा है, सस्पेंस खुल रहा है, कोई बताना चाहेगा क्या समझ में आया, कोई भी किसी को समझ में आया, और पौलुस को बेगुनाह साबित करने के लिए वो चर्च को चिट्ठी लिखा क्योंकि पौलुस जेल में था, बात समझ में है कि नहीं, तो पॉल का जेल में कौन रोल करेगा यहां पे, और एक दाढ़ी वाला चाहिए, दाढ़ी वाले दूसरे को देख रहे हैं, अरे तुमने फैशन किया है के लिए, ले कुर्सी लेके आओ, दो कुर्सी लेके आओ, लुक के लिए भी लेके आओ, पॉल के लिए भी लेके आओ, बैठो ध्यान से सुनना, लुक कहां पर है, इसराइल में, उसका काम क्या है, डॉक्टर, ओके, और वो डॉक्टर का काम छोड़ के क्या करने लगा, पता नहीं करता रहेगा इलाज, इधर उधर इंजेक्शन, इधर आ जल्दी इंजेक्शन, इधर मेरे को काम करना है, तो जांच पड़ताल कर रहा होगा, इंजेक्शन मार रहा होगा, दवाई देता होगा, उस जमाने में जो भी कर रहा होगा उस तरह से, और फिर असली मकसद क्या निकला उसके जीवन का, उसका मकसद निकला कि वो चिट्ठी लिखेगा और वो सारी बातें जो भी शुरुआत से हुई अंत तक वो डिटेल में लिखेगा, ये था डॉक्टर लूक, ओके। और ये पॉल क्या कर रहा था, पॉल पहले गुंडा था, ओके, मसीह लोगों को पकड़ पकड़ के धोपटता था, ओके, और यीशु ने एक बार मुलाकात किया तो उसके बाद क्या कर दिया, अंधा हो गया, फिर उसकी आंखें आई और बोला मैं यीशु के लिए जीऊंगा, और वो गांव गांव गली गली यीशु का समाचार बताने लगा, इतना जोरों से बताने लगा कि लोग भड़क उठे, धर्म अधिकारी लोग उसे मारने पर आए, भाग जाता था दूसरी जगह पे, वहां पे शुरू करता था, वहां पे मारने को आते थे तीसरी जगह पे जाता था, ऐसे कर करके उसने रोम नगर तक फैल पहुंच गया और वहां पर जेल में कैद था। जेल में क्या कर रहा था पॉल, जेल में एक बार तो आराधना किया था, ठीक है, उसके बाद वहां से बाहर निकला, फिर काम किया प्रभु का, फिर उसको उन्होंने पकड़ा तो उसने बोला मेरे ऊपर तुम इल्जाम नहीं लगा सकते, मैं रोम का अधिक, मैं रोम का नागरिक हूं, तो बोला रोम का नागरिक है, चल देखो हम रोम बेचते हैं, और उसको उन्होंने पानी में जहाज में डाल के कैदी बनाकर रोम भेज दिया। अब ये रोम जा रहा है, उसकी खबर किसको लग गई, लूक को लग गई, लूक बोला ये वहां पहुंचेगा, उस पे केस होगा, उधर का कोर्ट में केस होगा, और उधर कोर्ट, उधर के कोर्ट का जज कौन है, थियोफिलस, मेरा दोस्त, मेरा पेशेंट, हो सकता है उसका पेशेंट रहा, मैं नहीं जानता, लिखा नहीं है, ओके, मैं इसे जानता हूं, ये कोर्ट में क्या केस कैसे होगा, क्योंकि ये तो परदेश है, फॉरेन है, रोम नगर में यहूदी लोगों का जातपात नहीं चलता है, उधर का अलग है, इसराइल में जुदाइज्म है, लेकिन रोम में थोड़ी है, रोम में तो उनका शासन है, रोम के लोग क्या सोचते हैं मालूम है, हमको हर एक जगह पे शासन चलाना है, टैक्स लेना है और रोड्स बनाने हैं,
बड़े बड़े काम करने हैं, तुम्हारा जात पात तुम ही संभालो, हमको लगता नहीं है। ये था रोम नगर का सोच। और ये लोगों ने पॉल पे इल्जाम लगाया था कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, इसीलिए हम तुमको जेल में डालेंगे। जज के हिसाब से धर्म परिवर्तन कोई भी कानूनी तरफ से गलत नहीं है, समझ में है? भारत का संविधान भी कहता है तुम कोई भी धर्म का भाग बन सकते हो, तुम कोई भी धर्म को मान सकते हो, तुम कोई गलत चीज नहीं कर रहे हो। तो ये था उधर का नियम। और ये उसे बताने के लिए लूक इधर की सारी घटनाओं का डिटेल, पॉल का हरकतें, पॉल का एक्शन, यीशु मसीह के विषय में सब कुछ किसको भेज रहा है? थियोफिलस को भेज रहा है। और पॉल जेल में पहुंच गया है और जेल में क्या काम कर रहा है? चिट्ठी लिख रहा है। किसको? बीमा को, राव साहब को, यलप्पा को, करेक्ट कि नहीं? वैसा सोच के उसने लिखा नहीं, उसने बोला कोरिंथ कलीसिया का कलीसिया आइला, मैं उसको छोड़ के अभी मैं जेल में हूं, वहां का संकट चल रहा है, मुसीबत है, वहां के लोग आपस में झगड़ रहे हैं, कुछ लोग व्याभिचार कर रहे हैं, मैं उनको चिट्ठी लिखता हूं। तो पॉल ने क्या किया? कोरिंथ के लोगों को चिट्ठी लिखा। फिर उसको मालूम पड़ा एफिसियो में जो कलीसिया है आइला, उधर भी चिट्ठी लिखनी है, वहां का प्रॉब्लम अलग है, उनको चिट्ठी लिखा एफिसियो को। कहां बैठकर? जेल में। उसने सैनिक को देखा, सैनिक का मतलब उसके पास हाथ में ये है, उसके पास ये है, टोपी है, जूते हैं, बोला हाँ आत्मिक अधिकार परमेश्वर दिखा रहा है, आत्मिक हथियार ये हैं। और उसने वो देखकर आत्मिक हथियारों के विषय में एफिसियों की किताब में लिख दिया, समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर उसको जेल में क्या दे रहा है? आत्मिक खजाने दे रहा है और ये लिख कर औरों को भेज रहा है, कलीसियाओं को भेज रहा है। क्या पॉल ने कभी सोचा था कि जो मैं अंधेरी जेल की काल कोठरी में गंदी बांस मारने वाली जगह में जो मैं चिट्ठी लिखूंगा वो बाइबल का भाग बनेगी? उसने सोचा था? नहीं। उसने पवित्र आत्मा से जो सुना था वही चीज करने के लिए, जो उसके हाथ में था करने के लिए, वो लिखना पढ़ना जानता था, उसने लिखना शुरू किया और भेज दिया। और इसको बचाने के लिए परमेश्वर किसको तैयार कर रहा है? लूक को, करेक्ट है कि नहीं? ये कलीसिया है, ये कलीसिया में प्रॉब्लम चल रहा है, और ये पॉल जो है जो जेल में है, उनका बड़ा लीडर, बड़ा पास्टर बहुत दूर है, जेल में है, और वो क्या कर रहा है? कलीसिया के पास परमेश्वर के खजाने भेज रहा है, और इसको शैतान मारना चाहता है, और परमेश्वर किसका इस्तेमाल कर रहा है? लूक का, उसको बचाने के लिए। चिट्ठी किसको जा रही है? इसको जा रही है। हो सकता है परमेश्वर तुम्हें कहे अपने पड़ोसी के घर पे जा और उसको मिल, उसके साथ चाय पी। तुम बोले पड़ोसी नहीं रहे, अच्छा नहीं है, आज नहीं कल जाता हूं, और कल जाने से पहले उसने सुसाइड कर लिया। और अगर आप गए उसके घर में, यीशु के बारे में बताया, चाय पिया, और वो व्यक्ति ने हजार लोगों को यीशु में लाया, तो पुरस्कार किसका? हजार लोगों का। तुम भी भागीदार हो क्योंकि तुमने उसको यीशु का समाचार दिया, तुम आज्ञाकारी रहे उसे करने के लिए जिसे परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। कितना पावरफुल था ये बंदा? बहुत पावरफुल था पॉल? नहीं, पॉल अपनी कमजोरियों के बारे में लिख रहा है, बोलते मेरे को ठंडी लग रही है, मेरे को कपड़ा भेजना, जब भी तुम आओगे कड़कड़ रही है मेरा, ओ मेरा वो मेरा बाइबल का पेपर भी रह गया, प्लीज जरा लेकर आना। जेल में कैद है, तकलीफों से जूझ रहा है, जी रहा है, ओके, लेकिन कलीसियाओं में जीवन दे रहा है। हो सकता है तुम अपने जीवन में मुश्किलों का सामना कर रहे होगे, हो सकता है तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, पता नहीं क्या मैं
तुम अपने प्रॉब्लम के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम किसी और के प्रॉब्लम में जीवन दे सकते हो। परमेश्वर चाहता है तुम वो करो, तुम क्रूस उठाओ अपना और जाओ औरों की मदद करो। तुम्हारी देखभाल के लिए मैंने किसी और को रखा है। तुम अपने बारे में मत सोचो, तुम उसके बारे में सोचो जिसके बारे में परमेश्वर तुमसे कहता है। तुम वो करो जो पवित्र आत्मा तुम्हें दिखा रहा है, तो तुम पाप से संघर्ष नहीं करोगे। तुम्हारा ध्यान क्या रहेगा? मैं प्रभु की मर्जी करना चाहता हूं, तो तुम्हारे को पाप कहां से पकड़ेगा? तुम प्रभु की मर्जी करने जा रहे हो, तुम्हें कोई पाप उलझा नहीं सकता। तुम यीशु मसीह के साथ बैठे हो। आज एक वचन आया, किसके साथ बैठे हो? यीशु मसीह के साथ। तुम्हें बैठाया गया है उसके साथ में, और यीशु तुम्हारे कान में फुसफुसाता है, सुना वो मालूम है तेरे को? हाँ हाँ, जाना उसके पास, मेरे बारे में बता। क्या बता? गवाही दे। तुम्हारे पास एक गवाही है? गवाही है तुम्हारे पास? खुद की गवाही है कि तुम यीशु में क्यों आए, यीशु को क्यों मानने लगे? वही बताओ, वही तो बताने का काम दिया है। प्रीचिंग करने को नहीं बोला है। जब प्रीचिंग करने को बोलेगा तो भी परमेश्वर तुम्हें गिफ्ट देगा प्रीचिंग का, लेकिन फिलहाल तुम्हें परमेश्वर ने गवाह का बनने को कहा है। गवाह बनो, जो भी तुम काम करते हो उस काम में भी तुम गवाह बनो, जहां पर भी तुम हो। एंड परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है तुम्हारा बुलावा पूरा करने के लिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम किसको छू रहे हो। जिसे तुम छू रहे हो उसके जीवन के बंद दरवाजे खोल रहे हो, बाकी परमेश्वर का आत्मा आएगा और उसे बहा कर ले जाएगा, और तुम्हारे अंदर से न जीवित जल की नदियां बहेंगी। तुम कई लोग बोलते हैं, सोचते हैं, अहिला मैं कभी भविष्यवाणी करूंगा, अहिला कभी मैं चिन्ह चमत्कार मेरे हाथ से होंगे। परमेश्वर कहता है तुम पहले कदम तो बढ़ाओ, तुम्हें कदम तो बढ़ाओ, अचानक से परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारे अंदर से वरदान खुलेंगे और वो सारी चीजें होने लगेंगी जो परमेश्वर का वचन में लिखा है। वो सिर्फ इस हॉल के लिए नहीं है वरदान, वो नौ वरदान लोगों को छुड़ाने के लिए है। हालेलुया, थैंक यू वेरी मच। जिक्र किया, मैं आज एंड करना चाहूंगा। वो कहानी किसकी थी मालूम है? चिट्ठी लिखी उसने थियोफिलस को, और उसने सबसे पहले ज़केरिया और एलिजाबेथ की कहानी लिखी। कौन था ज़केरिया और एलिजाबेथ? फेमस क्यों हो गए? वे कौन थे? धर्मी थे, एक बात वेरी गुड। और एक बात क्या थी? उनको बच्चा नहीं था। क्यों? कौन बांझ थी? एलिजाबेथ बांझ थी, और वो बूढ़े हो चुके थे। मतलब बूढ़े मतलब अपने यहां पे सीनियर सिटीजन बोलते, 60 को क्रॉस कर दिया। ओके, कोई भी व्यक्ति जो 60 क्रॉस है, क्या कभी अपने जीवन में ये प्रार्थना करता रहेगा परमेश्वर बच्चा दे दे? उसकी प्रार्थना 60 प्लस में क्या हो जाएगी? तंदुरुस्त रहना, पीठ दुखता है। आजकल घुटना बहुत दुख रहा है, चलने को तकलीफ है हमें, राइट और नॉट? परमेश्वर चंगाई दे दे। तो ज़केरिया अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, परमेश्वर मेरी पत्नी का घुटने में दर्द है, उसको जरा ठीक कर दे, और मेरी पीठ में दर्द है, प्रभु ठीक कर दे। अब उसकी प्रार्थना ये सारी रही होगी। ओके, और वो इन सारी स्थितियों में से निकल कर भी वो परमेश्वर के मंदिर में सेवा कर रहा है। ज़केरिया और एलिजाबेथ बुढ़ापे में भी वो धर्मी थे, उन्होंने परमेश्वर की सेवा करना नहीं छोड़ा, उनको परमेश्वर ने बच्चा नहीं दिया, फिर भी वो सेवा करने के लिए वो लगे रहे। मंदिर का फोटो नेक्स्ट वन। ओके, यस, आगे आगे आगे। ओके, या ये एक और चीज मैं बताना भूल गया, बाद में बताता हूँ। यस, नहीं है मंदिर का चित्र नहीं। ओके, गो बैक टू दैट पॉल एंड दिस वन। ज़केरिया जो था उसने
अपने जीवन में हो सकता है प्रार्थना करना बंद किया होगा कि अब क्या रह गया, बाकी जो भी बचे खिचे दिन हैं निकाल लेंगे, परमेश्वर के मंदिर में जाएंगे, सेवा करेंगे, बच्चे लोगों को आशीष करेंगे, चॉकलेट देंगे, ले बच्चा ये ले वो ले, और अपना जो जमीन जायदाद जो भी है थोड़ा बहुत वो अपने भाई के बच्चों के नाम पर किस्मत कर देंगे, करेक्ट है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर का प्लान कुछ और था। परमेश्वर इतने सालों से जकरिया और एलिजाबेथ को पकड़ के रखा, उसको बच्चा होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे को भेजने वाला है, उस बेटे के आने से पहले कोई तो एक व्यक्ति चाहिए जो उसके बेटे का क्या बोलते हैं बुला आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा यीशु आ रहा है, उसके पहले बताने वाला एक व्यक्ति चाहिए, और वो कौन था? जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट किस घर में पैदा होगा ये परमेश्वर देख रहा था, और उसने किसको चुना? कोई नौजवान जोड़ी को नहीं चुना, लेकिन उसने किसको चुना? जो बुजुर्ग थे, जो अपने जीवन को सोच रहे थे कि बस हो गए, परमेश्वर ने उनको चुना और उन्हें अपना उन्हें जॉन द बैप्टिस्ट दिया। अब मेरा सवाल, जकरिया और एलिजाबेथ के जीवन का मकसद क्या था? जकरिया और एलिजाबेथ के जीवन का मकसद बच्चा चाहिए था? नहीं। जकरिया और एलिजाबेथ का जीवन का मकसद था, परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, तेरे मंदिर में जो भी तू काम देगा, जितना भी समय देगा हम करेंगे, हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं प्रभु, हम तेरे लिए जिएंगे। और वो वैसे जीते रहे, भले ही उनकी प्रार्थना का उत्तर मिला या नहीं मिला, और फिर परमेश्वर ने उनको अपना मकसद, परमेश्वर अपना मकसद पूरा करने के लिए उसे एलिजाबेथ को गर्भवती ठहराया और उन्हें एक ही मकसद दिया। अब इस बुढ़ापे में ना इस जॉन द बैप्टिस्ट को बड़ा पाल पोस के बड़ा कर, यही तेरा काम है। तेरा काम ये नहीं है कि लोगों को मेरे बारे में बता, तेरा बेटा बताएगा। तुम्हारा काम इस बच्चे को सही तरह से पालन पोषण करना है। तुम्हारा बुलावा क्या है? पहचानो अपने बुलावे को और उसे पूरा करने के लिए सब कुछ लगा दो जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। दूसरे के बुलावे को देखकर अपना बुलावा कॉपी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद तुम भागोगे, थक जाओगे। औरों के जैसे कॉपी करने की कोशिश मत करो। तुम्हें परमेश्वर ने एक मकसद के लिए बुलाया है। लूक को एक मकसद के लिए बुलाया था, वो डॉक्टरी कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे किसके लिए बुलाया? लिखने के लिए बुलाया। तुम्हें किसके लिए बुलाया? तुम जानते हो तुम्हारा हृदय किस चीज के लिए धड़कता है, उस चीज में हाथ डालो, क्योंकि परमेश्वर अपना आत्मा उसके ऊपर भेजेगा, सील करेगा और तुम्हें भेज देगा फलवंत होने के लिए। हालेलुया। आज परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। अगर किसी को नींद आ रही है, संघर्ष कर रहे हो मेरी बात सुनने से, पाप से आज भी तुम संघर्ष कर रहे हो, वो चीजें तुम्हें रोक रही हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, वो जो पाप की ताकत है उस पर तुम्हें परमेश्वर ने विजय दी है, अपने बुलावे को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। आमीन। मैं चाहूंगा वर्शिप टीम ऊपर आ जाए। परमेश्वर ने प्रोत्साहन दिया, इसी वचन को संदर्भ में रखते हुए मैं आपके पास ये लेकर आया हूं। नीचे 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 या यशया 43:18 का वचन मुझे परमेश्वर ने याद दिलाया, न तो पुरानी बातों को याद करो, पहली बात, न तो पुरानी बातों को याद करो और न ही अतीत पर विचार करो। अतीत मतलब भविष्य पर विचार करो, अतीत मतलब भविष्य है, पिछला ओके, पुराना ओके, पुरानी बातों पर विचार मत करो। परमेश्वर कह रहा है स्टॉप हो जाओ, पुरानी बातों को मत देखो। वो कहता है देखो मैं एक नई बात करता हूं, और परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात कर रहा हूं। पिछले 2 महीनों से परमेश्वर मुझे दिखा रहा है मैं एक नई बात कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं होते हुए, नई बात करता हूं जो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं बंजर भूमि में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। बंजर भूमि मतलब सूखी भूमि, कड़क धूप। परमेश्वर कह रहे हैं जहां पर तुम्हें लगता है कुछ नहीं होने वाला है, उसी कुछ नहीं में मैं
आदेश कर रहा हूं, वो कहता है तुम आगे जाओ, मैदान के पशु सियार तथा शुतुरमार्ग में मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि निर्जन स्थान में नदियां तथा मरुस्थल के लोगों को पीने के लिए जल मिलेगा। वे लोग जिन्हें मैंने इस उद्देश्य से बनाया है कि वो मेरी प्रशंसा करें। वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे नाम की महिमा करोगे जब तुम निर्जन प्रदेश में जाओगे, सूखी हुई परिस्थिति में प्रवेश करोगे, मरी हुई परिस्थिति में तुम जाओगे, मेरा वचन बोलोगे, और परमेश्वर कहता है कि वहां पर मैं तुम्हारे लिए जीवित जल की नदियां बहाऊंगा। दैट इज वॉट मैं घड़ी घड़ी आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति लेकर आएगा और वो कहेगा प्रवेश कर। ओके, पिछले दिनों से हम लोग एक पैशन लेके मैं जी रहा हूं, ये लास्ट वाली, वे मेरी प्रशंसा करेंगे। और पिछले 2 महीनों से हम लोग काम कर रहे हैं और एक सॉन्ग बुक हमने तैयार किया। पीछे जाओ, ओके, पीछे। 30 अक्टूबर को सुबह जब मैं उठा, 30 अक्टूबर मुझे क्यों याद है, क्योंकि उस दिन मेरी बीवी का जन्मदिन था। मैं सुबह बस मैं उठकर नींद में से जैसे उठते हैं, मैं प्रभु को याद किया, और उस याद में मुझे परमेश्वर ने एक चित्र दिखाया, भारत का नक्शा दिखाया, और उस नक्शे के बाद मुझे 2 शब्द सुनाई दिए, और वो ये थे अंग्रेजी में, क्रिएट रिसोर्सेस, उसका मतलब है संसाधन बनाए। और मैं ये शब्द लेकर उठा, पत्नी को विश किया, लेकिन मेरे मन में ये गूंजने लगा, संसाधन बनाओ, क्रिएट रिसोर्सेस जो भारत में फैलेंगे। और मैं ये लेकर जीने लगा। 30 अक्टूबर के बाद हम लोग बॉम्बे गए कॉन्फ्रेंस में, वहां पर भी यही शब्द आया, जनरेट वेल्थ, एक और वचन उसी दिशा में आया। और हमने कहा, प्रभु हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमारे पास तो कलीसिया में ज्यादा लोग नहीं है जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, हम लोग तो बहुत कमजोर लोग हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे याद दिलाया कि मैंने तुम्हें अपना गिफ्ट दिया है। और वो गिफ्ट याद दिलाया कि वो हम लोगों ने सॉन्ग बुक पिछले दिनों में तैयार किया था, मुझे याद दिलाया कि ये है, और मैं इसके पीछे लग गया। ये सॉन्ग बुक हम लोगों ने तैयार किया, हम लोग बेच रहे हैं, और ये भारत वर्ष में फैल रहा है। और मैंने कहा, प्रभु अब क्या, और अब होने से पहले ये साउंड सिस्टम परमेश्वर ने हमें दिला दिया, वही वर्शिप करने के लिए परमेश्वर ने हमें उकसाया, और उसी के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे खोल रहा है। और फिर परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि मैंने तुम्हें जमीन खरीदने को कहा है जहां पर संसाधन बनेगा, जहां पर लोग तैयार होंगे मेरी महिमा के लिए, वे भारत वर्ष में फैलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और मैं ये सपने देख रहा हूं कि एक दिन हम लोग ट्रेनिंग सेंटर देखेंगे, वहां पर कई लोग, हम में से कई लोग तैयार होंगे, और कलीसियाओं के लोग आएंगे, तैयार होंगे और भारत वर्ष में फैलेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का बुलावा हमारे ऊपर है। हम जो कमजोर लोग हैं, हम जो छोटे लोग हैं, परमेश्वर कहता है मैं इसी को उठाऊंगा और सब कुछ बनाऊंगा। दैट वॉज माई प्रेयर। इसके पीछे मैं इस हफ्ते प्रार्थना कर रहा था, नेक्स्ट वन, नीचे 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 जाओ। जब मैं ये प्रार्थना कर रहा था, ओके, तो परमेश्वर ने मुझे रोमियो का वचन याद दिलाया। रोमियो का वचन में लिखा है, उसी प्रकार से हम जो अनेक हैं, मसीह में एक शरीर तथा व्यक्तिगत रूप से भी एक दूसरे के अंग हैं, हम एक दूसरे के अंग हैं, इसीलिए हमें दिए गए अनुग्रह के अनुसार, हमें पवित्र आत्मा द्वारा दी गई भिन्न भिन्न क्षमताएं हैं, जिससे भविष्यवाणी की क्षमता है प्राप्त है वह उसका उपयोग करे, वह विश्वास के अनुसार करे, यदि सेवकाई की तो सेवकाई में, सिखाने की तो सिखाने में, उपदेशक की तो उपदेश देने में, सहायता की तो बिना दिखावे के उदार पूर्वक देने में, जिसे अगुवाई की वह मेहनत के साथ अगुवाई करे, तथा जिसे करुणा भाव का वह इसका प्रयोग सहर्ष से करे। परमेश्वर ने हमें भिन्न भिन्न चीजें हमारे अंदर डाली है और वो कहता है उसका उपयोग करो, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का दिया हुआ है। आमेन। हमें खड़े हो जाए उसके सामने, क्योंकि हम उसका शरीर हैं, उसका आत्मा हमारे अंदर है, और उसकी आराधना करें। और जैसे ही आराधना चलेगी,
प्लीज प्रभु से पूछना तूने मुझे क्यों बुलाया है, मेरा लिए क्या आदेश है।